गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग, वेलकम फ्रॉम दीघा। आज का ब्लॉग देखिए, एकदम सुबह सुबह स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बज रहा है सुबह का लगभग 5, और 5 बजे हम लोग सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं दीघा से। 5 बजे आप लोग भी सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं भैया इतना सुबह उठ के आप लोग, दीघा में वो भी घूमने आए हैं। तो अभी सुबह हम लोग 5 बजे जा रहे हैं दीघा का मोहना में, वहाँ का सनराइज देखने के लिए, और थोड़ा बहुत और भी एक्सप्लोर करेंगे दीघा का मोहना। अभी देखिए 5 बजे रात को दीघा कैसे, रात को कहाँ, सुबह दीघा कैसे दिखता है देखिए, सुनसान ऐसा टाइप का सीन है। सुबह 5 बजे अभी तक सनराइज़ हुआ नहीं है। चलिए सब गाड़ी में बैठ गए, अब चलते हैं मोहना। यहाँ से 15 मिनट लगेगा बाई कार, तो चलते हैं, जाते हैं दीघा मोहना, दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं दीघा का मोहना में, और अभी तो मोहना मतलब एंटर कर चुके हैं। जब एंटर कर रहे थे वहाँ पे लगभग हमको लगता है कि 50 से 100 गाड़ी ट्रक खड़ा था मछली के लिए। इतना यहाँ पे मछली का मतलब होता है, मछली यहाँ पे ही आता है दीघा में, तो मछली का गाड़ी पूरा फुल खड़ा था। यहाँ भी कुछ गाड़ियाँ है देखिए, ट्रक सब देखिए, मछली का कंटेनर है सब, जितना आप देख रहे हैं। यहाँ तो कम है फिर भी, जहाँ से वो रोड से एंट्री लेना भी हम लोग, वहाँ पे लगभग 100 गाड़ी खड़ा था ऐसे ट्रक मछली का क्रेट के साथ। और ये देखिए दूर में जो लाइट जल रहा है सब दुकान में, ये सब मछली का बाजार है दीघा मोहना का। और दीघा मोहना जो हो गया, ये आपका मेन दीघा का फिश का जो मार्केट है, और समुंदर में जितना भी फिश होता है सब दीघा से ही आता है ज़्यादातर। तो चलिए अब दिखाते हैं आप लोगों को कैसा क्या है, मछली भी दिखाएंगे, सनराइज भी दिखाएंगे, चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को दीघा मोहना, बने रहिए। अभी देखिए सब फिश अभी से आ गया है, सब मछली टोटल यहाँ मार्केट बैठ चुका है। मतलब सुबह सुबह एकदम 5:30 बजे देखिए चारों तरफ भीड़ है, यहाँ सब बाजार बैठ चुका है। और ये है बीच में जाने का जगह, और सब यहाँ सब फिश मार्केट है देखिए टोटल। देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया हम लोग दीघा मोहना का मेन मार्केट, ये टोटल मार्केट है दोनों साइड, यहीं पे सब मछली आके यहाँ पे रखते हैं लोग क्रेट में। देखिए सब मछली है यहाँ पे अलग अलग टाइप का, सब वैन से ऐसे ले आते हैं ट्रक से उतार के, और उसके बाद मार्केट में ही आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं दीघा मोहना का बीच सनराइज देखने के लिए। देखिए घोड़ा दौड़ रहा है एकदम सुपर फास्ट तूफान, और ये है मोहना का बीच दीघा का। देखिए कितना सुंदर है, खाली पूरा एकदम, और यहाँ सनराइज तो अभी हुआ नहीं, होने वाला 6 बजे। और ये देखिए सब मछली यहाँ भी आया है बोट से, देखिए पास से दिखा था आप लोगों को, सब बोट है, सब जाली है, मछली पकड़ा है, दिखा था आप लोगों को पास से सब। देखिए ऐसा टाइप का जाली होता है मछली पकड़ने का, और वो बोट खड़ा है मछली पकड़ने का। देखिए कितना मछली है, छोटा छोटा मछली देखिए जाली में, छोटा छोटा मछली अभी भी। ये समुंदर दीघा का। तो फ्रेंड्स, हम लोग का मोहना में घूमना हो गया है, अभी लगभग सुबह का 6:45 होने जा रहा है, 6:30 हो रहा है लगभग, एग्जैक्ट टाइम मैं बता ही देता हूँ, 6:45 हो रहा है एग्जैक्ट। और अभी देखिए पूरा ऐसा टाइप का हालत है यहाँ का सिचुएशन, यह हॉर्स राइडिंग भी है भाई दबे, देखिए हॉर्स है। और यहाँ से सनराइज़ होता है, लेकिन अभी सनराइज़ कुछ दिख नहीं रहा आप लोगों को, ना हम लोगों को दिख रहा है, क्योंकि आज पूरा कुआसा किया हुआ है, देख रहे हैं ना पूरा कुआसा है यहाँ, इसलिए सनराइज़ नहीं दिखा। आए तो थे सनराइज़ देखने, बट सनराइज़ नहीं दिखा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन सुंदर ऐसे बहुत लग रहा है। देखिए सनराइज़ हो चुका है अभी, और सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर देखिए बीच। चले अब कैसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन मेनली मैं सनराइज के लिए आई थी, लेकिन सनराइज देखा नहीं गया कुहासा के कारण। तो चलते हैं अब, देखिए हॉर्स है वहाँ पे, हॉर्स राइडिंग के लिए करना है, हॉर्स राइडिंग नहीं करना है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं, अब चलते हैं फिर होटल रिटर्न, सब हो गया यहाँ घूमना। देखिए कुआसा कितना है, देखिए यहाँ अचानक से बड़ा ना,
हाँ अभी उतना नहीं था, सनराइज तो नहीं दिखा, अभी देखे कितना नीचे आ गया कुआसा। वहाँ देखे टेबल चेयर में माँ लोग बैठी हुई है, नहीं दिख रही है। वहाँ पे आप लोगों को घोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, देखे कितना हेजी दिख रहा है, जबकि एकदम पास में है घोड़ा, मतलब 50 मीटर के अंतर में है, 50 मीटर भी क्लियर नहीं दिख रहा है। देखिए वहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा सादा दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा दूर में, और ये सब पूरा कुआसा से भर गया हालत। देखिए सनराइज तो पता ही नहीं चला सन कहाँ से आया, देखिए कुछ नहीं दिख रहा है दूर में सादा। One eternity later. फ्रेंड्स देखिए अभी आ गए हम लोग ब्रेकफास्ट करने, पूरा फ्रेश फ्रेश हो लिए है, फाइनली पूरा नहा धो के रेडी है, ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करके फिर अब निकलना है। आज हम लोग को रिटर्न जाना है दीघा से कोलकाता फिर से। तो देखिए ब्रेकफास्ट टेबल में अभी बैठ चुके हैं, ब्रेकफास्ट में ही सब आया है आज, वही JP रिसोर्ट में ही है अभी, देख लीजिए आप लोग, कल तो दिखाई देते रिटर्न्स में, तो कर लेते हैं ब्रेकफास्ट फटाफट, अलग से कुछ दिखाना नहीं है, कल वाला ब्लॉग देख लीजिएगा अगर ब्रेकफास्ट देखना है तो JP का। ब्रेकफास्ट करके फिर मिलते हैं आप लोग को। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग निकल रहे हैं दीघा से, टाटा दिखाई दीघा दिखाई बोल रहे दीघा। देखिए सब बैठ गए हम लोग गाड़ी में, कैसा लगा दीघा का ट्रिप? बहुत अच्छा लगा, बहुत मंदारमनी और दीघा। देखिए हम लोग ऐसे ऐसे पैक हो गए गाड़ी में, दिखा नहीं पा रहा ठीक से, यह हीरा है, और ये निकले हम लोग दीघा से। चलिए टाटा, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, अब कोलकाता चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोलाघाट, लगभग वही हम लोग 11 बजे निकले थे दीघा से उस टाइम जब अपडेट किए थे आप लोगों को, और अभी 1:30 बज रहा है लगभग, तो 2.5 घंटा लगा, 2.5 घंटे में मोटा मोटी हम लोग कोलाघाट पहुंच चुके हैं। यहाँ से और 1 घंटे का रास्ता है कोलकाता तक घर तक, तो कोलाघाट में हम लोग लंच करने रुके हैं, एक ही स्टॉप लेंगे लंच का। लंच करने आया देखिए हम लोग आमिनिया में, ये आमिनिया रेस्टोरेंट एक बार आप लोग को दिखाया है व्लॉग में पहले भी, जब हम लोग रांची से आए थे, तो फिर से हम लोग आमिनिया में ही जा रहे हैं। शेरे पंजाब का भी ऑप्शन था लेकिन आमिनिया में ज़्यादा पसंद आया क्योंकि बिरयानी खाने का मन हो रहा था, इसलिए चलते आमिनिया में। देखिए ऐसा टाइप का है यहाँ कोलाघाट का आमिनिया ब्रांच, अंदर तो भीड़ है ठीक ठाक सा, चलते अंदर। देखिए आमिनिया के अंदर में ऐसा टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट है, हम लोग यहाँ पे ये वाला टेबल लिए है, ऐसे तो बहुत स्पेस है, देखिए ऐसा टाइप का स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है अंदर, लाइटिंग तो बहुत सुंदर है यहाँ का, पिछला वाला व्लॉग में भी बताया था मैं। चलिए यहाँ क्या ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करके आप लोग को एक बार दिखाते, एक बार में दिखाएंगे। आज भी अपना लंच कर रही है फ्रेंड्स, देखिए आ गया अपना आमिनिया में लंच, यहाँ पे हम लोग मंगाया है बिरयानी, बिरयानी दिखा कैसा है, मटन का पीस वगैरह, ये मटन बिरयानी है भाई, हम लोग का देखिए एक पीस ही है, बड़ा सा एक पीस मटन है, आलू है, हीरा का चिकन है, देखिए कितना बड़े का चिकन का पीस है, इसमें भी आलू और चिकन है, इसमें आलू और मटन है, प्राइस सेम है दोनों का, और बाबा भी वहाँ पे मटन लिया सेम, माँ ली है यहाँ पे रुमाली रोटी और मूट मसाला। तो यही हम लोग का होने वाला लंच, इसके साथ हम लोग अलग से मंगा है सलाद और रायता, तो बस लंच कर लेते हैं हम लोग फटाफट आमिनिया में कोलाघाट में, निकलते हैं यहाँ से लंच करके। आलू भी कितना बड़ा है ना, ये कितना बड़ा आलू है। तो चलिए फ्रेंड्स जस्ट अभी हम लोग घर पहुंचे हैं, अभी शाम का 5 बजने जा रहा है, 4:52 हो रहा है एग्जैक्ट टाइम, तो लगभग शाम का 5 बज गया, पूरा दिन ट्रेवलिंग में निकल गया। तो दीघा का ट्रिप बहुत अच्छा था, दीघा मंदारमनी हम लोग बहुत अच्छे से घूम लिए, मतलब कोई प्री प्लान ट्रिप नहीं था, अचानक प्लान बना, अचानक गए घूम के आ गए और मजा कर लिया हम लोग 3-4 दिन का। तो ये जो अपना दीघा सीरीज और मंदारमनी सीरीज का ब्लॉग है, इसका प्लेलिस्ट मैं पहले भी बोला हूँ कि अलग से बना दिया हूँ यूट्यूब में, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, इसमें ये शायद 4th वीडियो रहेगा और ये आखिरी वीडियो भी रहेगा। तो ये सीरीज को, दीघा वाला सीरीज को और ये ब्लॉग को यही पेंट करते हैं, आई होप कि आज वाला ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलेंगे नया ब्लॉग के साथ, फिर कुछ नया दिखाएंगे आप लोगों को, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।